गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। चलिए फटाफट आपको बताते हैं आज की अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीती रात इतनी ज्यादा बारिश हुई कि वहां तबाही आ गई। कई जगह तो स्कूल बंद हो गए और कई जगह पुल भी टूट गए। बारिश की वजह से यमुना नदी उफान पर आ गई। जानकी चट्टी में बनी पार्किंग तक यमुना का जल स्तर पहुँच गया। वहीं यमुनोत्री धाम में तटबंध बह गए। यमुनोत्री मंदिर को जोड़ने वाले पुल की सुरक्षा दीवार भी बह गई। वहीं जानकी चट्टी क्षेत्र में रात को ओले भी गिरे, जिससे 3 खच्चर और एक मोटरसाइकिल पानी में बह गई। जानकी चट्टी पार्किंग के पास कटाव हुआ और शुभम पैलेस होटल के आगे रोड की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। उधर यमुनोत्री धाम में यमुना नदी में आए उफान की वजह से तटबंध तो बह ही गए, साथ ही यमुना मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता भी खराब हो गया। यमुनोत्री धाम में पुजारी महासभा के यमुनोत्री नदी के किनारे कक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही स्ट्रीट लाइट भी खराब हुई और मंदिर का जनरेटर भी बह गया। यमुना में स्नान घाट भी पूरी तरह से खराब हो चुका है। उधर यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पर राम मंदिर पर स्थित पंजीकरण सत्यापन केंद्र भी खराब हो गया। भारी बारिश से जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधर अल्मोड़ा, चंपावत और उधम सिंह नगर में अनेक जगहों पर हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश हुई। पौड़ी और चमोली में भी कहीं कहीं एक दो दौर तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देहरादून में आज यानी शुक्रवार को 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25वें कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां का दौरा करेंगे। पीएम मोदी कारगिल युद्ध स्मारक के लिए निकल चुके हैं, जहां वो बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शिंकुला सुरंग परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा कि आज का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। हम 25वां कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ये उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैं कारगिल युद्ध स्मारक जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिंकुला सुरंग परियोजना के लिए भी काम शुरू हो चुका है। ये परियोजना खराब मौसम के दौरान लेह से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। बता दें कि ये टनल कई मायनों में अहम है। ये टनल सीमा तक रसद पहुँचाने का तीसरा और सबसे सुरक्षित उपाय होगा। मौजूदा वक्त में लेह लद्दाख के लिए पहला विकल्प जोजिला पास, जो पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से सटा है, और दूसरा विकल्प बारालाचा पास है, जो चीन सीमा से सटा है। अब ये तीसरा मार्ग शिंकुला पास में टनल के माध्यम से बनेगा। और आज ये तिरंगा बड़े शान से उनके सांसों के और लहू की बूंदों से लहरा रहा है, और पूरा देश आज पूरा उन जवानों के ऊपर, उन वीरों के ऊपर गर्व कर रहा है। मुझे भी सौभाग्य मिला और यहाँ से अब देख सकते हैं वो टाइगर हिल, और वो टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी, ये तोलोलिंग पहाड़ी, जहाँ पर मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर ने बहुत निर्णायक युद्ध लड़े। दो ऑफिसर्स, दो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवानों ने शहादत दी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 545 जवानों ने इन पहाड़ियों के ऊपर अपने लहू की बूंदों से हिंदुस्तान की जीत का एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया था, और आज हम उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इस द्रास मेमोरियल में एकत्रित हुए हैं। मैं उन साथियों को, अपने उन दोस्तों को यह नमन करने के लिए आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुरी MP MLA कोर्ट बुलाया गया था, जहां वो पहुंच चुके हैं। अब वहां पे सुनवाई होनी है। बता दें कि कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद वो 11 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहां एक कार्यक्रम है जो प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने इसकी पुष्टि की। साथ ही बता दें कि सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध 5 साल पहले खास न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें मुकदमा चलाया जा रहा है। विजय के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि परिवाद में आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और साथ ही दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह को हत्यारा कह रहे थे। उनका यह बयान जस्टिस लोया की मृत्यु से संबंधित था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी।
वहीं परिवादी और दो गवाहों के बयान पर साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया तो उन्होंने 20 फरवरी को न्यायालय में पेश होकर जमानत करा ली थी। उन्हें पेशी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई थी। हालांकि आरोपों पर जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। वहीं बीती 2 जुलाई को राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ल ने 26 जुलाई यानी आज पेश होने के लिए उनकी मांग रखी थी। उधर बीते दिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने नीट यूजी गड़बड़ी मामले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है और ये मांग की है सरकार से कि इस पेपर में जो भी गड़बड़ी हुई है इसका जिम्मा राज्य सरकार को सौंप देना चाहिए। मायावती ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा कि कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि केंद्र मेडिकल की इतनी अहम परीक्षा सही से करा पाने के मामले में देश को आश्वस्त किए जाने में विफल है, जो समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। केंद्रीकृत नीट यूजी और साथ ही पीजी दोनों की व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर स्वाभाविक और सड़क से लेकर संसद तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गरमाया हुआ है। नतीजा चाहे जो भी हो लेकिन लाखों छात्रों और अभिभावकों को इसे लेकर दुख, दर्द और मानसिक पीड़ा दिख रही है। ऐसे में परीक्षा की केंद्रीकृत व्यवस्था को खत्म किया जाए। तो ये थी आज की वो तमाम बड़ी और ज़रूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। अब आपको इनकी अपडेट भी लेनी होगी तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।